तो यस, क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 126। इस चैप्टर का पेज नंबर 126 का क्वेश्चन करते हैं। और ये चैप्टर मैं बता दूं आपको, ये चैप्टर चल रहा है फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इन दिस पेज इज 126। इफ एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू रिएक्शन, एक्सप्लेन हाउ अ हॉर्स कैन पुल अ कार्ट। सो ये आपका क्वेश्चन है। तो सी दिस, जो क्वेश्चन है यहाँ पे, ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे बेस्ड है। तो हमने पढ़ा था न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कि टू एवरी एक्शन देर इज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और ये जो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस होते हैं, ये पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। और ये दोनों एक्शन और रिएक्शन पेयर दोनों दो अलग अलग बॉडीज़ पे लगते हैं, ठीक है। और अगर आपने ये पूरा लेक्चर या न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन नहीं देखा है, या आपको नहीं पता ये होता क्या है, तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाइए या डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एटलीस्ट देख लो। क्योंकि ये दोनों क्वेश्चंस हम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से करने वाले हैं। या फिर आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो, फाउंडेशन क्लासेस रज़ा अहमद, आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट, आप देख सकते हो फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। क्वेश्चन है, इफ एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू रिएक्शन, एक्सप्लेन हाउ अ हॉर्स कैन पुल अ कार्ट। सिंपल सा क्वेश्चन है। एक हॉर्स एक कार्ट को, बुलक कार्ट जो होता है, ठीक है, जो कार्ट होता है, हॉर्स बंधा रहता है उसमें, वो किस तरह से खींच सकता है अगर एक्शन और रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। तो देखो, ऐसा है कि जब हॉर्स, या फिर हम अपना एग्जांपल खुद ले लेते हैं, जब हम चलते हैं, ठीक है, व्हेन वी वॉक, तो हम अपने पैर से ज़मीन में, फ्लोर में पुश करते हैं, ठीक है, फोर्स लगाते हैं। तो इन रिटर्न फ्लोर भी हमारे पैर को अपोजिट रिएक्शन का फोर्स ऑफर करता है, ताकि हम आगे आगे की तरफ फोर्स लगाता है, ताकि हम आगे चल पाएँ, ठीक है। तो इन द सेम वे हम यहाँ पे इस चीज़ को इसी बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अ हॉर्स पुशेस द ग्राउंड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। दैट मीन्स जो हॉर्स का पैर है, ठीक है, वो ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश करता है, पीछे की तरफ। जब वो पीछे की तरफ पुश करता है, तो ग्राउंड फोर्स आगे की तरफ लगाता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ, अ रिएक्शन फोर्स इज एग्जर्टेड बाय द अर्थ। अर्थ से रिएक्शन फोर्स एग्जर्ट होता है। जरा इसे पिक्टोरियली समझ लो, अगर समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो। ये देखो, ये हो गया ग्राउंड, ओके। ये मान लेते हैं हॉर्स का लेग, ठीक है, लेग जैसा दिख नहीं रहा, इमेजिन कर लो ये हॉर्स का लेग है। तो ये हॉर्स क्या करेगा, इस ग्राउंड पे फोर्स एग्जर्ट करेगा। इस ग्राउंड पे ये फोर्स हॉर्स ने एग्जर्ट किया, तो वापस से पलट करके ये ग्राउंड फोर्स हॉर्स के पैर पे भी कुछ फोर्स लगाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर बन रहा है। देख लो, दोनों फोर्सेस सेम नेचर का होना चाहिए, दोनों फोर्सेस सेम नेचर का है। एक एक्शन है, ठीक है, ग्राउंड पे लग रहा है, दूसरा रिएक्शन हॉर्स पे लग रहा है। तो दोनों अलग अलग बॉडीज पे लग रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ, अ रिएक्शन फोर्स इज एग्जर्टेड बाई द अर्थ ऑन द हॉर्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये है रिएक्शन फोर्स, दिस इज द रिएक्शन फोर्स एंड दिस इज द एक्शन फोर्स, फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगता है। एज अ रिजल्ट द कार्ट मूव्स फॉरवर्ड, ठीक है। आप चाहो तो ये स्टेटमेंट, ये एग्जाम्पल्स, आप ये पूरा का पूरा लैंग्वेज लिख सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन में जब भी आपसे पूछा जाएगा तो आपको लैंग्वेज देकर समझाना पड़ेगा, ठीक है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं, सेकेंड क्वेश्चन क्या है। तो सेकेंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई इज इट डिफिकल्ट फॉर अ फायरमैन टू होल्ड अ होज, ओके, विच इजेक्ट्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एट अ हाई वेलोसिटी। यह भी बहुत ही सिंपल सा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे ये क्वेश्चन है। आपने ये देखा भी होगा, एक फायरमैन, जैसे एक होज होता है, होज मतलब वो पाइप जिससे वो फायरमैन आग वगैरह बुझाता है। तो जो होज होता है, उस पाइप, वो जो पाइप होता है, उससे वाटर बहुत ही प्रेशर में निकलता है, बहुत फोर्स के साथ निकलता है, तो उसको पकड़ना मुश्किल हो जाता है। अगर तुम पाइप को ऐसे ही छोड़ दो और पानी बहुत तेज़ से पाइप से प्रेशर के साथ निकल रहा है, देखना पाइप इधर 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 इस तरह से मूव करने लगता है बिकॉज ऑफ द फोर्स, रिएक्शन फोर्स। तो होता क्या है, वो डिफ़िकल्ट क्यों होता है, सिंपल सा रीज़न है कि जब वाटर निकलता है पाइप से, वाटर निकला तो वो फोर्स लगा रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और रिएक्शन फोर्स ऑफर कर रहा है वो वाटर पीछे की तरफ होज में। तो होज क्या होता है, पीछे जाता है, या फिर अगर देखोगे थोड़ा बहुत भी अगर उसको लूज कर दोगे तो होज इस तरह से शेक करने लगता है। तो उसे एक पोजीशन में होल्ड करने के लिए फायरमैन को एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ता है ताकि वो पोजीशन में रहे। तो इसका आंसर देख लो, ड्यू टू द बैकवर्ड रिएक्शन ऑफ द वाटर बींग इजेक्टेड। सिंपल सा आंसर है, क्यों डिफिकल्ट होता है फायरमैन को होल्ड करने का, दैट इज ड्यू टू द बैकवर्ड रिएक्शन ऑफ द वाटर, वाटर का बैकवर्ड रिएक्शन फोर्स की वजह से। वेन फायरमैन होल्ड्स अ होज,
which is ejecting large amounts of water at a high velocity, then a reaction force is exerted on him. Reaction force उस पर लगता है by the ejecting water, जो water निकल रहा है उससे, ठीक है, in the backward direction. This is because of the Newton's third law. As a result of backward force, the stability of the fireman decreases. Hence, it is difficult for him to remain stable while holding the horse. Okay? इसे थोड़ा पिक्टोरियली समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर टू को. ये क्वेश्चन नंबर वन का एग्जाम्पल था. क्वेश्चन नंबर टू देखो, हम बात कर रहे हैं एक होज की, ठीक है. होज मतलब एक पाइप है इस तरह से, और इस पाइप का ये हो गया माउथ. ओके, ये इस पाइप का माउथ हो गया. यहाँ से वाटर इजेक्ट होता है विथ हाई वेलोसिटी, ठीक है. ये हो गया वाटर. जब ये इजेक्ट होगा होज से, जब वाटर इजेक्ट होगा, तो देखो यहाँ वाटर आगे की तरफ फोर्स लगा रहा है, ठीक है. मतलब यहाँ से जो इजेक्ट हो रहा है, इस एरिया से जो इजेक्ट हो रहा है, फोर्स आगे की तरफ लग रहा है, तो ये वाटर भी पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा पाइप पे, है ना. सबसे पहले तो पाइप फोर्स लगा रहा है वाटर पे आगे की तरफ, ये हो गया एक्शन फोर्स. और पलट करके वाटर भी पीछे की तरफ रिएक्शन फोर्स लगाएगा, जिसके कारण इस पाइप को पकड़ना मुश्किल हो जाता है. इसीलिए हेंस इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू रिमेन स्टेबल वाइल होल्डिंग द हॉर्स. ये कारण है इसका, ठीक है. चलो, क्वेश्चन नंबर थ्री और क्वेश्चन नंबर फोर हम अलग अलग वीडियोस में करेंगे. इसके बाद आप वो लेक्चर देख लेना, इसके बाद एक और लेक्चर आएगा. क्वेश्चन नंबर थ्री उस सेपरेट लेक्चर में करेंगे, और क्वेश्चन नंबर फोर दोनों अलग अलग क्वेश्चन करेंगे. क्वेश्चन नंबर फोर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से है, और क्वेश्चन नंबर थ्री भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से है. तो अगर आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप देख लो, वहाँ लिंक मैंने दे दिया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम.